पंजाब के टीवी देख रहे हो तुसीं। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन लगे हां कि वारिस पंजाब जथेबंदी दे मुख सेवादार अमृतपाल सिंह दे वल्लों राजा वडिंग नूं लीगल नोटिस भेजा गया। उसके नाल नाल एक वड्डे मीडिया अदारे नूं भी लीगल नोटिस भेजा गया जी। हां, जिथे पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग नूं लीगल नोटिस भेजा गया, उत्थे ही द ट्रिब्यून अखबार के चीफ एडिटर नूं भी लीगल नोटिस भेजा गया। उसके नाल नाल द ट्रिब्यून अखबार के एक वड्डे पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नूं भी लीगल नोटिस भेजा गया अमृतपाल सिंह दे वल्लों। वारिस पंजाब जथेबंदी दे मुख सेवादार अमृतपाल सिंह दे वल्लों राजा वडिंग नूं उन्हां दी साख नूं खोरा लाउण वाले दित्ते गए बयानां दे लई लीगल नोटिस भेजा गया। इस लीगल नोटिस दे विच उन्हां ने आख्या कि राजा वडिंग ने पंजाब दे DIG अते गवर्नर नूं चिट्ठी लिखी है, जिस दे विच कि उन्हां ने मंग कीती है कि अमृतपाल सिंह देश दे लई खतरा है अते उन्हां दे उत्ते कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए है। तो इस मौके नाल दे नाल उन्होंने इस लीगल नोटिस दे विच जिक्र किया है कि उन्होंने मेरे उत्ते जिथे FIR की भी गल की उत्थे ही मैनू देश के लिए खतरा दस्सिया है अते मेरे उत्ते जल्द तो जल्द कानूनी कार्रवाई करवाउण की भी गल आखी है। उन्होंने कहा कि राजा वडिंग जां तां सबूत देण कि मैं देश के लिए खतरा किवें आ, नहीं तो 15 दिनों के अंदर अंदर जनतक तौर के उत्ते माफ़ी मंगण, नहीं 15 दिनों के 10 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप के अमृतपाल सिंह नूं देण, क्योंकि उन्हां द्वारा जनतक तौर के उत्ते दित्ते गए बयान मीडिया अदारे नूं दित्तियां गईयां इंटरव्यूज के जिहड़े बयान दित्ते ने उन्हां करके अमृतपाल सिंह की साख नूं खोरा लग्गिया, अमृतपाल सिंह की खास साख नूं ठेस पहुंचिया, नुकसान होया अमृतपाल सिंह की साख नूं, क्योंकि जो इज्जत सत्कार उन्हां दा सी उसनूं नुकसान पहुंचे है राजा वडिंग के द्वारा दिते गए बयान करके। तो हुण राजा वडिंग नूं कानूनी कार्रवाई दे विच उलझाउणगे अमृतपाल सिंह, तां लीगल नोटिस भेज दिता गया है कि जां तां माफ़ी मंगो जां 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप के दो, नहीं तो जेकर यह दोवें जिहड़ियां शर्तां रखियां गईयां ने इह पूरियां नहीं कीतियां जांदियां तां अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब जथेबंदी के मुख सेवादार अदालत जा सकते हैं राजा वडिंग के खिलाफ, अते उत्थे जाके मुआवजे की जां माफ़ी मंगण लई गल कर सकते हैं अदालत के विच जाके। तो दूसरे पासे द ट्रिब्यून अखबार के चीफ एडिटर नूं अते पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नूं लीगल नोटिस भेजा गया, जिस दे विच के अमृतपाल सिंह ने कहा है कि दीप सिद्धू के भरा मनदीप सिद्धू की एक इंटरव्यू छापी गई है द ट्रिब्यून अखबार के जिहड़ी कि जपिंदरजीत सिंह वल्लों लई गई है। तो उस इंटरव्यू के विच मेरा पक्ष लए बिना मेरे उत्ते बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, जिस दे विच कि उन्होंने जिक्र किया कि मनदीप सिद्धू वल्लों जिवें कि कहा गया कि मैं वारिस पंजाब के जथेबंदी हाईजैक किया, तो उन्होंने इस दे जवाब दे विच कहा कि मैं वारिस पंजाब के जथेबंदी हाईजैक नहीं किया, मैनू 16 मैंबरी कमेटी ने सर्बसम्मति दे नाल प्रधान लगाया अते पिंड रोडे दे विच मेरी दस्तारबंदी की गई है, जिवें कि सिख रीति रिवाजों के अनुसार किसी सिख जथेबंदी का किसी सिख नूं वारिस जां मुख सेवादार थापिया जांदा है, तो उसके लिए जो सिख कदरां कीमतां ने जां जो सिख निजम फॉलो करते हैं वह पूरे सिद्धांतों के अनुसार मैनू इस जथेबंदी का मुख सेवादार थापा गया। 15,000 लोगों की उत्थे एकत्रता हुई है पिंड रोडे दे विच, अते उसके नाल नाल 100 तो वध सिख जथेबंदियां ने मैनू दस्तारा भेट कीतियां ने, इस जथेबंदी के मुख सेवादार वजो 100 तो वध सिख जथेबंदियां ने मैनू दस्तारा भेंट कीतियां ने। तो यह गल भी उन्होंने आखी है कि मैं जथेबंदी नूं हाईजैक नहीं किया, मैनू सर्बसम्मति दे नाल इस जथेबंदी का मुख सेवादार लगाया गया। नाल दी नाल उन्होंने इस लीगल नोटिस दे विच इस गल का भी जिक्र किया कि मनदीप सिद्धू ने इंटरव्यू दे विच यह गल आखी है कि दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब जथेबंदी के मुख सेवादार अमृतपाल सिंह नूं अपने फोन तो ब्लॉक किया होया सी, तां उन्होंने कहा कि ब्लॉक करन दे नाल इह गल साबित नहीं हुंदी कि असीं इक दूजे दे विरोधी सां जां दीप सिद्धू मैनूं पसंद नहीं सी करदा। मनदीप सिद्धू ने इस इंटरव्यू दे विच इह वी कहा सी कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह नूं पसंद नहीं सी करदे, उन्होंने कहा कि साढ़े दोवां दे विच दोस्ताना संबंध सन, अजिही कोई भी गल नहीं, इह गल्लां बेबुनियाद ने झूठियां ने, साढ़े दोवां दे विच इक गहरी दोस्ती सी दोस्ताना संबंध सन। तो हुण इह सारी कार्रवाई नूं लीगली करदे नज़र आ रहे ने अमृतपाल सिंह, क्योंकि द ट्रिब्यून अखबार नूं अते उन्हां दे इक वड्डे पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नूं लीगल नोटिस भेजिया गया है, जिस दे विच के इह गल आखी गई है कि मेरा पक्ष लए बिना
मेरे खिलाफ जो खबर प्रकाशित की गई है, मेरे ते जो इल्जाम लगाए गए ने वह झूठे ने, मेरा पक्ष नहीं लिया गया। मेरा पक्ष ना लैन करके जो वड्डे अदारे दे वल्लों मेरे खिलाफ जो खबर ते इंटरव्यू छापी गई है, उस करके मेरे इज्जत स्वै मान नू, मेरे जो इज्जत है समाज दे विच उसनू खोरा लगे है, लोगों के जो मेरा मान सत्कार है उसनू खोरा लगे है। अते हुण उसदे मुआवजे दे रूप दे विच जां तां उस खबर नू अते उस इंटरव्यू नू सोध के दुबारा छापिया जाए, नहीं तो 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। जां तां उस खबर नू सोध के दोबारा छापो, नहीं तो 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। तो यह मंग की गई। नाल दी नाल उन्होंने आख्या कि ट्रिब्यून अखबार ने मेरे खिलाफ खबर चलाई कि मैं किसानी अंदोलन नू हाईजैक किया। उन्होंने कहा कि मैं तो उस वेले पंजाब दे विच भी नहीं, पंजाब भारत दे विच भी नहीं सी, मैं तो उस वेले दुबई दे विच सी, विदेश दे विच सी, तां मैं किवें अंदोलन नू हाईजैक कर सकदा। तां इह मेरे उत्ते बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे ने। तां उस इंटरव्यू नू ते उस तमाम जो उन्होंने खिलाफ जो खबरां चलियां ने उन्होंने लीगली नोटिस लैंदिआं हुण एक लीगल नोटिस भेजा गया द ट्रिब्यून अखबार के चीफ एडिटर नू अते एक सीनियर पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नू के जो मेरे खिलाफ इल्जामबाजी की गई है उसनू सोध के मेरा पक्ष लेके दोबारा प्रकाशित किया जाए, नहीं तो 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। जेकर यह दोवें सूरतों के कुछ भी नहीं किया जाता तो अमृतपाल सिंह अदालत का रुख कर सकते हैं। दोवें लीगल नोटिसों के अदालत जाने की गल लिखी हुई है कि अदालत जाएंगे। ये दोवें लीगल नोटिस द ट्रिब्यून अखबार का लीगल नोटिस इमान सिंह खारा वकील ने तैयार किया है, राजा वड़िंग जो लीगल नोटिस गया वह हरपाल सिंह खारा जिहड़े वकील ने उन्होंने तैयार किया है। तो दोवें वकीलों के वलों जिहड़े लीगल नोटिस तैयार किए गए हैं, एक द ट्रिब्यून के चीफ एडिटर सीनियर पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नूं भेजा गया और एक लीगल नोटिस पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग नूं भेजा गया कि राजा वड़िंग ने मीडिया अदारियां दे विच जो इंटरव्यूज दित्तियां ने अते जो खत लिखे है पंजाब दे पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों नूं आला अधिकारियों नूं जिहड़ा खत लिखा गया कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मैं देश के अमन शांति लिए खतरा है, मैं देश की अमन शांति भंग करना चाहना है, तो उस गल के उत्ते माफ़ी मंगण राजा वड़िंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ढंग के नाल देश की अमन शांति भंग नहीं करना चाहता, ना ही मेरा अजिहा कोई मनोरथ है, ना ही मेरे किसी अजिहे व्यक्तियों के नाल संबंध ने जो भारत पंजाब की जो अमन शांति है उसनों भंग करते हैं। तो इसके इन्हों लीगल नोटिसों के 80वें दौर का भी जिक्र किया गया है कि मेरे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैं 80वें दे दौर नू वापस पंजाब दे विच लिआउणा चाहुंदा। उन्होंने कहा कि मैं मेरी अजिही कोई मनसा नहीं, अते नाल दी नाल उन्होंने कहा कि मेरे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मैं संतां दी रीस करदा। उन्होंने कहा कि ना तो मैं संतां दी रीस नहीं करदा। तमाम वो गल्लां तां तमाम वो बयानबाजी जो अमृतपाल सिंह दे लई हुंदी रही है, अमृतपाल सिंह दे लई हो रही है, उस बयानबाजी नू लीगली नोटिस लिया अमृतपाल सिंह ने अते द ट्रिब्यून अखबार के चीफ एडिटर सीनियर पत्रकार जपिंदरजीत सिंह नू लीगल नोटिस भेजिया ते 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है अते जां प्रकाशित किए गए लेखां नू सोध के प्रकाशित करन दी गल आखी अते राजा वड़िंग नू कहा कि जनतक तौर दे उत्ते माफ़ी मंगण राजा वड़िंग, क्योंकि उन्होंने वालों दिए गए बयान करके मेरी साख नू खोरा लगे है, जां तां जनतक तौर दे उत्ते माफ़ी मंगण जां 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देन। जेकर उस अदारे दे वल्लों अते सीनियर पत्रकार दे वल्लों अते राजा वड़िंग दे वल्लों अजिहा नहीं किया जाता तो अमृतपाल सिंह अदालत जा सकते हैं। तो 15 दिनों के बाद अमृतपाल सिंह अदालत जाते भी नज़र आ सकते हैं जेकर अजिहा नहीं किया जाता। जिहड़ियां शर्तां अमृतपाल सिंह दे वल्लों रखी गई ने दोवें लीगल नोटिसों के जो जो बयानबाजी अमृतपाल सिंह दे खिलाफ हो रही है तो उसके खिलाफ लीगल नोटिस लैंदे नज़र आ रहे हैं। वारिस पंजाब जथेबंदी का मुख्य सेवादार अमृतपाल सिंह कानूनी कार्रवाई करने तैयार नजर आ रहे हैं जो जो बयानबाजी अमृतपाल सिंह दे खिलाफ हो रही है। तो इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं सांझी कर रहे हैं कि द ट्रिब्यून अखबार के चीफ एडिटर सीनियर पत्रकार जपिंदरजीत सिंह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजे है कि जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू और मेरा पक्ष लिए बिना मेरे उत्ते बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं उन्होंने सोध के दोबारा छापिया जाए, प्रकाशित किया जाए, नहीं तो 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। जेकर अजिहा नहीं किया जाता तो अमृतपाल सिंह अदालत जाएंगे अपनी बनती कानूनी कार्रवाई करने के लिए। राजा वड़िंग जो लीगल नोटिस भेजे उस कहा गया है कि मेरे उत्ते जो FIR करवाने की जो मांग की गई है, चिट्ठी लिखी गई है, और मीडिया अदारियों के जो मेरे खिलाफ बयानबाजी की गई है उसके लिए जनतक तौर के उत्ते माफ़ी मंगो,
नहीं तो 15 दिनों के 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिता जाए। जेकर दोवें सूरतों के अजिहा नहीं किया जाता तो अदालत जाएंगे अमृतपाल सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब KTV।